आज हम एमसीएन समाचार के तरफ से वार्ड क्रमांक 16 भीमनगर भौसिंगपुरा में आए हुए हैं और यहाँ पर एक गली है जो कि 4 साल से लावारिस हालत में पड़ी हुई है और यहाँ की पब्लिक का कहना है कि यहाँ से 4 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई चैम्बर लाइन नहीं है, यहाँ पे पानी की लाइन नहीं है और कोई यहाँ पे मूलभूत सुविधा जो सरकार जो हर नागरिक को देती है वो इन्हें 4 साल से ये इस सुविधा से वंचित है। आइए हम यहाँ की पब्लिक से जानते हैं इन्हें क्या क्या तकलीफ है और क्या क्या मुश्किल का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? मंदा हिंगे। क्या तकलीफ है आपको इधर? इधर जाने आने ला सुधा व्यवस्थित जागा नहीं है। मैं लहन पर मैं बचपन से यहाँ रह रही हूँ, बचपन से यहाँ जाने आने में रास्ता ठीक से नहीं है। यहाँ पहले ट्रक आती थी, अब यहाँ टू व्हीलर भी जा नहीं सकती है। अगर एक सामने से आदमी आया तो साइड में होना पड़ता है, दूसरी को रुकना पड़ता है फिर जाना पड़ता है। इतना छोटा सा रास्ता किया है, हमको जाने आने में बहुत तकलीफ है। और जब बारिश आती है तब यहाँ तक घुटने तक पानी आता है, जाने आने में बहुत तकलीफ होती है। ये कब से तकलीफ है आपको? ये अभी 6-7 साल से हो रहा है। तो ये 6-7 साल से आपको जो तकलीफ है इसके बारे में आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कभी कंप्लेंट किया है क्या? 4-5 बार हमने एप्लीकेशन लिख के दिया है लेकिन यहाँ कोई आने देखने को भी नहीं आता और पूछने को भी नहीं आता कोई। यहाँ के नगर सेवक कौन है? मनीषा लोखंडे। हाँ। ये लेडीज वार्ड था। हाँ, वो लोखंडे जो मनीषा लोखंडे यहाँ कभी गली में आई भी नहीं। उसका देवर आता। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? शकुंतला सोन कमरे। हाँ, क्या तकलीफ है आपको ये वार्ड के अंदर? हमारे वार्ड में ड्रेनिंग लाइन हुई थी ना, तब से वो पाइप पड़े हुए है। रास्ता भी छोटा है और उसमें वो पाइपलाइन वहाँ ही पड़ी है, जाने आने को बहुत तकलीफ होती है। पहले रिक्शा आता था इधर, मगर अभी तो आदमी को चलने को जगह नहीं है। और हमको इधर यहाँ तक पाइपलाइन देना था ऐसा बोले थे, मगर पाइपलाइन दी नहीं ना, रास्ता बनाया नहीं। आधी रात को लाइन नहीं रहती लाइट। ये यहाँ पे पानी की लाइन चैम्बर लाइन कुछ भी नहीं है। चैम्बर लाइन वहाँ से लेने पड़ती है। अब इनको पानी नहीं आता था तो वहाँ वो मेन लाइन से उधर से पानी इन्होंने ले लिया। पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पे। हाँ, पानी की लाइन नहीं है यहाँ पे। आता है मगर कम, बहुत कम आता है, पुरता नहीं। क्या नाम है आपका? छाया जमदड़ी। क्या तकलीफ है आपको यहाँ पे मोहल्ले में? ये मोहल्ले में ये तकलीफ है कि 2 साल के पहले यहाँ पे पूरे बोले कि रास्ता बनाने वाले है कंक्रीट का, तो उन्होंने पूरे चंबर लाइन निकाल के ऊपर ले लिए। चंबर लाइन है बोले यहाँ तक पाइपलाइन देंगे पानी की, वो भी नहीं आई। और हमको इतनी तकलीफ है कि हमारे घर के तरफ 160-180 फीट से लाइन लेनी पड़ती पानी, वो भी पानी नहीं आता बराबर। तो और कितने साल से तकलीफ है? कितने साल से तकलीफ है आपके? 5 साल से तो है। 5 साल से मतलब? हाँ। आपको 5 साल से पानी की लाइन यहाँ पे है ही नहीं? पानी की लाइन यहाँ तक आई नहीं, आई तो वो आधे रोड तक आई, वहाँ से लिए नई लाइन भी गई वहाँ से, पुरानी लाइन के बाद नई भी आई। वो बोले कि नई लाइन देंगे पर नहीं आई। और जो है मनीषा लोखंडे जी है तो उन्होंने तो यहाँ आते नहीं, उसके बाद उनका जो असिस्टेंट है गणेश लोखंडे उनके पास हम तकलीफ लेके गए, उन्होंने पूरे यहाँ के कॉन्क्रीट रोड बनाए। और यहाँ से हमारे बच्चे 2 बार गिर गए, ये आंटी है वो भी वहाँ से 2 बार पूरे चंबर उठा के लिए ऊपर। इसके बारे में आपने म्युनिसिपल कमिश्नर पांडे साहब के पास कंप्लेंट किए गए? ऑनलाइन भी करी है। इधर बड़े भाई है वो विद्यापीठ में काम करते, उन्होंने उनकी तरफ से पूरी कोशिश की, आने जाने के लिए तकलीफ है, पूरे यहाँ से पूरी गली अतिक्रमण कर लिया है। कि बाकी के पूरे गलियों का काम हुआ है और यही गली का काम रोक दिया गया है? हमको तो वो पता नहीं। और मैं वो गणेश लोखंडे के पास जो मनीषा लोखंडे का असिस्टेंट है उसके पास मैं 2-3 बार जाके आई, मैं बोली मेरे पूरे गली में पूरे सीनियर लोग आए। और ये कोरोना का दौरान चालू है तो पूरे बीमार पड़ रहे, ये आंटी को भी बीमार हो गए, उनको दवाखाने में लेके आए, उनके पास कोई नहीं है, वो अकेले रहते, उनको हम जाके देखते, बेटियां है वो आके देखती है। उनके महानगर पालिका के कर्मचारी साफ सफाई के लिए भी नहीं आते करते, कुछ नहीं। ये पूरी गली, ये इधर वाले वो आंटी है वो झाड़ के लेते पानी मारते, पूरे गली में कोई आता नहीं। पूरे चंबर के पाइपलाइन है, जब बारिश आती पूरा पानी सबके घर के अंदर आ रहा, ये सब हम लोग काम कर रहे। अच्छा ठीक है, आप म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से यही कहूँगी कि हमारा जो है
यहाँ पे पूरा कंक्रीट का रोड कर दे, अतिक्रमण है ये साइड से, ये साइड से, ये साइड से। अगर हमारा भी घर बीच में आ रहा, आप सबके पूरे कागज देखो घर के, उसके हिसाब से आप हमको रोड दे दो, यहाँ से रास्ता दिए कहाँ से दे दो, और वो चंबर की पाइप। क्या नाम है आपको? सरोज भास्कर पंडित। क्या तकलीफ है आपको महिला में? हे आमच्या घरामध्ये इथे इकडे इथून तिथून सगळं ना ना नालीचं खोदून टाकलेलं आहे, आणि दोनदा तीनदा पडायला आलेले आहे मी, गुडघ्यावर पडलेली आहे। कब से खोद के पडा हुआ ये काम? झालं आता वर्ष होऊन गेले, 2 वर्ष व्हायला लागले। किती साल हुआ? 2-3 वर्ष झाले। 2-3 वर्ष? हां। तो मतलब ये काम अभी तक पेंडिंग ही पडा हुआ? पेंडिंगच पडलंय। यहां पे आपको पाणी की लाईन नाही आहे, पाणी की सुविधा नाही, पाणी काय पण पाणीच येत नाही नळाला। नवीन टाकून द्यायचं म्हणत होते ते। 40 साल की है वो तिकडे रोडवर, खूप दिवसाची, 30-40 वर्ष झाले त्याला। अच्छा, पाणी की लाईन बहुत पुरानी है। पुरानी है। अच्छा, आप हमारे माध्यम MCN समाचार के तरफ से कुछ कहना चाहते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर पांडे साहब? त्यांना सांगायचं पूर्ण जे लाईन आहे ना ती चांगली करून द्या, चांगला रोड करून द्या, आणि ज्याचे ज्याचे घर आत आलेले आहेत बाहेर ते सगळे थोडे रोड चांगला करून द्यायचा आमचा। यहाँ के नगर सेविका को आपने इस बारे में कंप्लेंट की है क्या? केलेले 2-3 वेळेस, काय कामाची नाही ती नगर सेविका, आलीच नाही इकडे, जशी निवडून आली तशी गल्लीत आलीच नाही बघायला, फक्त जेव्हा मत येतात तेव्हाच म्हणते आम्हाला मत द्या, आम्ही सगळं करून काहीच करत नाही ते। आता क्या नाम है आपको? मालती साहब। क्या तकलीफ है आपको? हमें रोड नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ पे गाड़ी आती थी अब नहीं आती। ठीक, क्या नाम है आपका? सरिता। क्या तकलीफ है आपको यहाँ पे? यही रोड की। और ये रोड कब से खुदा हुआ है? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? हाँ। 4 साल से ऐसी है? ऐसी है। आपको पीने का पानी मिलता है क्या? पीने का पानी मिलता है, मगर वो बहुत पुरानी लाइन है, वो बोले थे हमको देंगे इधर लाके, नहीं दिए उन्होंने। नवी लाइन डालेंगे बोले थे। हाँ बोले तो थे। अभी तक उन्होंने डाले नहीं? नहीं डाले अभी तक। तो आपने इस बारे में यहाँ के नगर सेविका को कम्प्लेन किए है क्या? किए, बहुत बार किए, सब महिला जाके किए। हाँ, तो क्या बोले उन्होंने? वो आते बोलते है मगर आते नहीं इधर देखने को। ठीक, वार्ड क्रमांक 16 भीमनगर भावसिंगपुरा पवनपद बुद्धविहाराच्या पाठीमागची जी गल्ली आहे सर, या गल्लीमध्ये मी 40 वर्षापासून राहतो, तरी काही मला मूलभूत गरजा मिळाल्या नाहीत, मी टॅक्स वेळेवर भरतो ना, चेंबरचं व्यवस्थित लाईन बनवलेली नाही, पाणी नाही, नगरसेविकांना वारंवार तक्रारी केल्यानंतरही ते वारंवार टाळाटाळ करत आहे, आजूबाजूच्या सर्व गल्ल्या केल्या पण आमची गल्ली पेंडिंग ठेवलेली आहे, तरी आयुक्त साहेबांनी याची नोंद घ्यावी। आम्ही आयुक्त साहेबांना वारंवार अर्ज केला, फोन केला, तरी आमच्या वार्डाचा काही विकास होत नाही। आज आपने देखा हमने यहाँ के पब्लिक से बात की है और यहाँ की पब्लिक काफ़ी नाराज़ है, 3-4 साल से यहाँ का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पे ना ही पीने के पानी की लाइन है और ना ही चेंबर लाइन है और ना ही यहाँ पे रास्ते बराबर है। हम हमारे माध्यम MCN समाचार की तरफ से अपील करते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर पांडे साहब से कि यहाँ के लोगों का और यहाँ के आवाम का मसला जल्द से जल्द हल कर दिया जाए। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।